नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने तबले से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कहरवा के बहुत सारे वेरिएशन ऐसे बजाकर दिखाने वाला हूं, जिसके बारे में बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज डाले थे और बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी वीडियो के नीचे कमेंट्स किए थे। और कुछ दोस्तों ने और कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने ये भी कहा था कि सर, इन वेरिएशन के बारे में, कहरवा के वेरिएशन के बारे में बताया जाए और हमें सिखाया जाए कि इनको कैसे बजाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे वेरिएशन बताने वाला हूं जिसके रिगार्डिंग आपने मुझे मैसेज किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो शुरुआत में मैं बजा रहा था, पहले तो उस वेरिएशन को समझ लेते हैं, क्योंकि जो आपके मैसेज आए थे उनसे जुड़े हुए ही मैं आज सारे वेरिएशन बजाने वाला हूं। तो देखिए, फर्स्ट वेरिएशन है जो आपने पूछा था, तो देखिए। तो देखिए, अब स्लो बजा रहा हूं मैं। इसके दी धा दी धा ती धा दी धा दी धा दी धा ती धा दी धा। तो देखिए, दी धा दी धा ती धा दी धा दी धा दी धा ती धा दी धा दी धा दी धा ती धा दी धा। ने ये भी कहा था कि सर, जो इसके साथ आपने एक वीडियो में वेरिएशन जोड़ा था उसके बारे में भी हमें बता दें। तो मैं उसके बारे में भी आपको बता रहा हूं। तो देखिए, इसके साथ कौन सा वेरिएशन जुड़ा है, देखिए। तो इसके बोल क्या है, इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में बताया भी हुआ है, पर इसी में मैं आपको बोल बता रहा हूं। देखिए, इसके बोल हैं धा धुन धा धुन धा धुन ता ता ति थे धा धुन धा धुन धा धुन ता ता ति थे धा धुन धा। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, धा धुन धा धुन धा धुन ता ता ति थे। और अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो कहरवा वेरिएशन की वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, कहरवा से जुड़ी हुई जितनी वीडियो आपको मिलेंगी वहां पर, उससे जुड़ा हुआ ये वेरिएशन आपको जरूर मिल जाएगा, जिसमें मैंने लिखा है कि कहरवा का दुगन जो एक वेरिएशन जो है वो कौन सा है, वो आप वीडियो देखिए, उसमें दुगन कहरवा के बारे में मैंने बताया हुआ है, उसमें ये वेरिएशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अब मैं इकट्ठा बजा रहा हूं इसे, देखिए फिर। देखिए, यहां पर मैंने इसको जोड़ दिया इसके साथ, तो ये वेरिएशन इसके साथ जुड़ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए अब, तो ये वेरिएशन इसके साथ जुड़ जाता है। तो एक मेरे दोस्त ने ये कहा था कि सर, हमें जो बंद कहरवा है उसका एक वेरिएशन हमें आपने एक वीडियो में बताया था, तो उसके बारे में भी हमें बता दिया जाए। तो चलिए, अब उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और उसके साथ ये जो वेरिएशन जो दुगन वाला है ये भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए, एक दुगन का वेरिएशन सीखने से, आपको कहरवा का दुगन वेरिएशन सीखने से आपके जो दो तीन वेरिएशन ऐसे हैं जो इसके साथ जुड़ जाएंगे और सुनने वाले को बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए अगले वेरिएशन की बात करता हूँ। ये है बंद कहरवा, जिसको बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया था कि सर, बंद कहरवा के बारे में बता दिया जाए। वैसे मैंने दो तीन वीडियोज में बताया हुआ है कि बंद कहरवा को कैसे बजाना है, तो वो वीडियो आप देखें, डिटेल में आपको उसमें मिल जाएगा कि बंद कहरवा के बोल क्या हैं और उनको कैसे बजाना है। उसको देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इसमें फिर क्या है कि इसके साथ आप दुगुन का वेरिएशन जोड़कर इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बंद कहरवा। बोल है इसके, धा तिट तुम ता तिट
धात इट तुन तुन ये बोलते हैं, पर आपने इसे धात इट तिन तिन बोलना है, क्योंकि इसके मैं मैदान पर बजा रहा हूं। और अगर तुन तुन करना है तो फिर आप इसको स्याही पर बजाएंगे, तो इसलिए स्याही पर नहीं बजाना है, आपने मैदान पर बजाना है, तो ये और अच्छा लगेगा। देखिए धात इट तिन तिन धात इट तिन तिन धात इट तिन तिन धात इट तिन तिन। अब दुगुन का जो वेरिएशन है वो इसके साथ कैसे जुड़ा है, तो देखिए देखिए मैं इसके साथ बजा रहा हूं, समझ गए होंगे कि इसके साथ दुगुन का वेरिएशन कैसे जुड़ा है। तो इसके साथ आप जोड़कर ये जो वेरिएशन है बहुत ही अच्छे ढंग से बजा सकते हैं, और किसी भी गजल गीत भजन के साथ बजाने पर जो सुनने वाला है उसको बहुत अच्छा लगेगा, और जो वेरिएशन है आपको भी सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे जब आप किसी के साथ बजाएंगे। तो चलिए अब अगले वेरिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक मेरे दोस्त ने कहा था कि सर आपने एक वीडियो डाली थी जिसमें आपने कव्वाली कहरवा के बारे में बताया था, जिसमें आपने कव्वाली ताल के बारे में, वैसे तो वो कहरवा ताल ही है, उसका एक वेरिएशन है, तो उसके बारे में हमें बता दिया जाए और इसको कैसे बजाएं। तो देखिए पहले मैं उसको बजाकर आपको दिखा देता हूं, देखिए। बोल क्या है, तो वैसे ये तेज बजता है, इसको आप बहुत तेज बजा सकते हैं, वैसे जब आप इसे तेज बजाएंगे तो थोड़े से बोल अलग हो जाते हैं, वो कैसे मैं वो भी आपको बजाकर दिखा रहा हूं, देखिए। तो ये बोल इसके अलग हो जाते हैं, पर आप इसको बड़ी आसानी से कैसे बजा सकते हैं, तो देखिए मैं इसके बोल बता रहा हूं। बोल है धाती धाता ताती धाता 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 आप इसके बारे में डिटेल में आप जानना चाहते हैं कि इसको कैसे बजाएं, कैसे उंगली कौन सी रखनी है, तो कहरवा की वीडियो में जाएं, उसमें मैंने कहरवा क्या ये वेरिएशन जो है कव्वाली कहरवा इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। इसको आप बहुत ही ज्यादा स्पीड में बजा सकते हैं और बड़ी आसानी से बजा सकते हैं, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक बार मैं फिर इसे बजा रहा हूं, देखिए। आप बजा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं जो आपने मैसेज किए थे वो नेक्स्ट वेरिएशन आपको बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये वेरिएशन मैंने बता दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपके जो वेरिएशन रह गए हैं वो भी मैं बताने वाला हूं, तो उसका वेट करें। तो उस और उसमें देखिए कि जो आपके और वेरिएशन जो आपने मैसेज किया था वो आप कैसे बड़ी आसानी से बजा सकते हैं और उसको कैसे सीख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे जरूर दबा लें। और अगर कोई मेरा दोस्त या मेरा YouTube जो यूज़ करते हैं मेरे दोस्त और वीडियोस को देखकर तबला सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन तबला सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर आपको डे बाय डे सारे लेसन मिलेंगे, फर्स्ट डे से आपको सारे लेसन मिलेंगे, अभी हमारे 46 डेज हो चुके हैं, आप उनको देखिए हर रोज और फिर रियाज कीजिए, फिर आप कुछ ही महीनों में और कुछ ही सालों में बड़ी ही आसानी से तबला सीख जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।